मान लीजिए मेरा मेरे ऊपर जो है रेप के चार्जेस लगे हुए हैं, ठीक है, और जिस जज के पास मेरे ऊपर रेप के चार्जेस चले, मैं ही उसके घर चला जाऊं ना प्रधान, लोग कहेंगे अच्छा जी आपको जज के ऊपर भरोसा नहीं है, बहुत आपके ऊपर अपने ऊपर बता रहा हूँ, माफी मांगे अपने शब्द नहीं नहीं, मैं उनके ऊपर जो आरोप तुलना के उदाहरण देना ही नहीं, उनके ऊपर इलेक्टोरल बॉन्ड के आरोप लगे हुए, प्रधानमंत्री की तुलना, मैंने तो बात ही नहीं की, मैंने तो अपने ऊपर बोला है, मैंने बोला उनके ऊपर इलेक्टोरल बॉन्ड के आरोप लगे हुए जी जी जी, लेकिन प्रधानमंत्री पर, देखिए प्रधानमंत्री जी पर इस तरह के ना प्रधान, ये उदाहरण बहुत आपत्तिजनक था, इस उदाहरण का यहाँ पर कोई स्थान नहीं, अब आप बिना बात की बात का मुद्दा बना ले तो बात अलग है, बात साफ है कि अगर कोई आरोपी है और उसके जज के पास ही वो आरोपी उसके घर में ही पहुंच जाए, तो आप उस जज को क्या कहेंगे कि जज को क्या, जज के ऊपर भरोसा नहीं है, ये शुचिता आपके देखिए इसके ऊपर आप कितनी भी बहस कर लीजिए जी, इसके ऊपर आप कितनी भी गलत गलत इसका खंडन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री इस तरह का कोई आरोप नहीं, जबरदस्ती की आपत्ति अगर आप अपने गले में चिपका लेंगे तो मैं उसका इलाज कुछ नहीं कर सकता, मैं उस उदाहरण के ऊपर आज भी खड़ा हूँ और मैं बोलता हूँ ये उदाहरण बिल्कुल ठीक है, ये उदाहरण देश के प्रधानमंत्री क्या क्या करते रहे हैं अपने जीवन में सबको पता है, भाई भाषा का संयम, आप ये मत समझिए कि देश के प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री का क्या इतिहास रहा है वो सारा हिंदुस्तान जानता है, देखिए इस चीज पे आप मेरा मुंह मत खुलवाइए, आप मेरा मुंह मत खुलवाइए जी जी, आप मेरा मुंह मत खुलवाइए, मुझे लगता है कि सबको मालूम है कि क्या होता था, प्रधानमंत्री पर ऐसा कुछ नहीं है, मुझे संयम रखिए, आप एक जन प्रतिनिधि, आप जरा सुनिए कि वो जो है आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप रहने दीजिए, आप अपने आप को और ज्यादा एंबैरस मत करिए, आप सुन लीजिए, एक बताइए जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो आप लोग उनसे ऑर्डर कैसे ले रहे थे, उनसे कोई ना कोई मिलने जाता था, वहां से कोई ना कोई बातचीत हो जाती थी, भाभी जाती थी मिलने, कई बार आतिशी जाती थी मिलने, अच्छा आम आदमी के आवरण में बहुत ही खास व्यक्ति हैं, इसलिए खास व्यक्तियों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए तो कोई ना कोई रूल्स है ना रेगुलेशन है, आपको कर लेता हूं, क्या दिल्ली बीजेपी इस बार के चुनाव में कोई चेहरा लेके आके आएगी आगे, है ही नहीं चेहरा इनके पास, लाएंगे कहां से, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है ही नहीं कोई चेहरा इनके पास, उनसे सवाल पूछ रहा हूँ जवाब, होता तो अब तक ले नहीं आते, 10 सेकंड, ये 1997 से दिल्ली से सत्ता से बाहर है, अगर इनके पास चेहरा होता तो अब तक आ गया होता, ठीक है बांसुरी जी, मैं कह रही हूँ 60 से ज्यादा विधायक इनके पास है और हमारा ही लेंगे, इसका मतलब हमारा ही कोई एक लेंगे, अब मेरी बात तो पूरी, भैया छोड़ दो, हमारे छोड़ दो, अपना बनाओ, कोई अपना आरएसएस से ढूंढ के लाओ, अपना लेके आओ, कोई हमारा छोड़ दो, क्या बात, मेरे तर्क से इतना डर गए हैं कि बार बार आपको हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप हमारे लेते रहते ना, कोई बात, अच्छा आपको विश्वास नहीं अपने वालों पे, अब विश्वास क्या, आप ईडी के छापे डालते हैं बिचारों के ऊपर, वो क्या करेंगे, कर लूं या फिर मेरे तरफ से, आप हमारे देखिए अब ये बीजेपी से सवाल है, क्रॉस चेक का, जी जी जी, देखिए एक राजकुमार अनंत पे छापा पड़ा ईडी का, उसको ले गए, दूसरे मतलब आप दूसरे हमारे करतार सिंह तवर के ऊपर इनकम टैक्स का छापा पड़ा, एक कट सी डिमांड, अच्छा सुनिए मेरी बात, एक छोटी मैं आपको, आपने बोला कट सी डिमांड, उनको 10 सेकंड छोड़ चुके हैं, लेकिन मैंने कहा मेरे तर्क की तीव्रता से इतना डर गए, चलिए मैंने कहा ना 60 से ज्यादा विधायक इनके पास है, लेकिन इतना ज्यादा टैलेंट का अकाल पड़ा हुआ है कि अभी तक एक भी, इसीलिए हमारे ले रहे हैं, इसीलिए हमारे दो और ले, शुक्रिया, 177 दिन तक रिजाइन भी नहीं करा, सुनिए यही बात भाजपा की, हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, आप चिंता मत करिए, चेहरों का भरमार।